हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स रिसर्च सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम गोलीय अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का जो सूत्र आता है कैसे आता है इस चीज़ को डिराइव करेंगे। वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ प्रॉब्लम्स थे, अब वो सॉल्व हो चुके हैं, अब वीडियो रेगुलर मिलेंगे, ठीक ना। चलिए तो हम लोग समझते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम भी आ चुका है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी जो परीक्षाएँ होने वाली हैं वो भी लगभग फरवरी मंथ से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक ना। चलिए इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई हमारा एक अवतल पृष्ठ है, गोली अवतल पृष्ठ है, कुछ इस तरीके का मान लेते हैं, ठीक ना। और जब कुछ इस तरीके का ये हमारा अवतल पृष्ठ हो जाता है, इतना लॉन्ग नहीं हो सकता, बट कुछ ऐसा ही होगा। जो इसके अंदर का माध्यम उसे हम N2 मान लेते हैं, और जो अंदर का माध्यम होगा वो कैसा होगा, सघन होगा। और जो बाहर का माध्यम N1 होगा उसे हम मान लेते हैं विरल है, विरल माध्यम है, ठीक ना। विरल और सघन माध्यम मैं आपको अपवर्तन वाले वीडियो में बता चुका हूँ क्या चीज़ है, आप जो है तो देख सकते हैं, ठीक ना। सबसे पहले जो यहाँ पर अवतल पृष्ठ होगा तो इसका एक मुख्य अक्ष होगा, ठीक ना। और इस मुख्य अक्ष पर ये इसका जो ध्रुव होगा P होगा, ठीक ना, जो ध्रुव होगा P होगा। और इसके मुख्य अक्ष पर मान लेते हैं कोई एक वस्तु, कोई एक इमेज यहाँ पर रखी हुई है। इसका जो वक्रता केंद्र है लेंस का वो कैपिटल C है। और जब कोई वस्तु यहाँ पर वो रखी गई है तो इससे जो आने वाली प्रकाश की किरणें हैं जब इस लेंस से टकराती हैं, लेंस के पृष्ठ से टकराएंगी, तो इसका जो नॉर्मल होगा, जो अभिलंब होगा, इसके वक्रता केंद्र से जाएगा और कुछ इस तरीके का होगा, ठीक ना। और जब कुछ इस तरीके का होगा तो जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, अर्थात वो कुछ ऐसे हो जाती है। और जब हम इसको पीछे की तरफ मिलाते हैं तो ये कुछ लाइंस ऐसे बनेगी, ठीक ना। ये पीछे आकर मुख्य अक्ष पर यहाँ पर काटती है तो ये हमारा पॉइंट आई हो जाता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, ये जो अभिलंब मुख्य अक्ष के साथ जो कोण बनाता है उसे हम गामा मानते हैं, और जो ये इमेज कोण बनाता है उसे हम बीटा मानते हैं, जो वस्तु प्रतिबिंब बनाता है उसे हम अल्फा मानते हैं। तो ये अल्फा, बीटा और गामा आपके तीनों हो चुके, ठीक ना। अब यहाँ से यदि ध्रुव दूरी की बात करेंगे तो जो ध्रुव दूरी की बात है O से लेकर P तक जो दूरी होगा वो U होगा, क्योंकि वस्तु की दूरी है। और I से लेकर P की बीच की जो दूरी होगी वो V होगी, क्योंकि ध्रुव के बीच की दूरी है। और यहाँ C से ये जो दूरी होगी वो कैपिटल R होगी। अब यहाँ पे जो ये पॉइंट है इससे हम मुख्य अक्ष पर एक अभिलंब खींच देते हैं, और इस पॉइंट को हम कैपिटल M नाम दे देते हैं, ठीक ना। इस पॉइंट को कैपिटल M नाम दे देते हैं, और ये बिंदु को N नाम दे देते हैं, और इसका अभिलंब N1 है। और जब ये अभिलंब N1 है तो अब यहाँ पर थोड़ा सा फिगर में समझिएगा कि जो अपवर्तन का नियम है क्या कहता है, कि ये जो अभिलंब के साथ ये जो वस्तु की किरण है, ये जो जाने वाली किरण है, ये जो कोण बनाती है इसे हम I कहते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर इधर जो अभिलंब के साथ जो अपवर्तित किरण ये जो कोण बनाएगी, ये आपका अपवर्तन कोण स्मॉल R हो जाएगा। अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, स्मॉल R हो जाएगा। जब ये अपवर्तन कोण स्मॉल R होगा तो ये जो आपका अभिलंब वाला इधर शीर्षाभिमुख कोण से ये जो बीच का एंगल होगा ये भी क्या होगा, स्मॉल R होगा। जब स्मॉल R होगा तब यहाँ पर हम ट्रेंगल लेते हैं, ठीक ना, ट्रेंगल। अब यहाँ पर पहले एक ट्रेंगल ले लेते हैं ओ एन सी में, ठीक ना, ओ एन सी में, ठीक ना। जब ओ एन सी में हम बात करेंगे तो जो गामा बराबर में आएगा वो कितना आ जाएगा, अल्फा और प्लस में आई आ जाएगा, अल्फा प्लस में आई आएगा, ठीक ना। और यहाँ से आप आई की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो गामा माइनस में क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। आई की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो गामा माइनस में क्या हो जाएगा, अल्फा। अब जो आपका अगला ट्रेंगल होने वाला है ट्रेंगल आई एन सी में, ठीक ना, आई एन सी में। और जब ट्रेंगल आई एन सी में बात करेंगे तो जो आपका गामा होगा वो कितना हो जाएगा, बीटा प्लस में आर हो जाएगा, बीटा प्लस में आर हो जाएगा। देन आफ्टर आर बराबर में आप फाइंड करेंगे तो गामा माइनस में बीटा होगा, ठीक ना, गामा माइनस में बीटा होगा। ये आपका फार्मूला आ जाता है दोनों, मतलब ये कैसे हो जाता है एंगल के बराबर। तो किसी भी त्रिभुज में जो बाह्य कोण का मान होता है सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात मान के चलिए ये कोई एक मान लेते हैं कि त्रिभुज है, ठीक ना। और हम बात करेंगे त्रिभुज में इस कोण का मान कितना होगा, तो इस और इस वाले कोण के मान के बराबर होता है। तो यहाँ पर यदि हम ये ट्रेंगल लिए हैं तो इस ट्रेंगल में ये बहिष्कोण है, बाहर वाला कोण है, तो ये और इस कोण का जो मान होगा वो बराबर होगा। मैथ की थोड़ी भी ऐसी जानकारी रखते होंगे तो ये चीज़ कठिन भी नहीं है, ठीक ना। चलिए तो ये चीज़ आपको पता हो गया होगा। यदि जब हम स्नेल के नियम की बात करते हैं तो स्नेल का नियम क्या कहता है, ठीक ना, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम ये कहता है साइन आई अपान में साइन आर इज इक्वल टू N2 अपान में N1।
अर्थात ये जो दोनों माध्यमों का सापेक्ष अपवर्तनांक होता है कैपिटल स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, वो स्मॉल एन एन टू अपान में एन वन के बराबर होता है, तो साइन आई अपान में साइन आर होगा। हम दूसरा चीज़ ये कह सकते हैं, ये जो छोटे कोण का मान होगा, मतलब ये बहुत ही जो अपवर्तन होगा ना, बहुत ही रियर केस का मतलब कि जो कोण होगा लगभग ये आई साइन आई के बराबर होगा, ठीक है। तो अल्पतम कोण के लिए जो साइन आई का मान आई के बराबर होगा, तब हम इसे आई अपान में आर बराबर में एन टू अपान में एन वन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जब हम इसको इतना लिखेंगे तो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आई एन वन, ठीक ना, और इधर कितना हो जाएगा आर एन टू, और यहाँ से हम इसका वैल्यू मान रख दीजिए तो गामा माइनस में अल्फ़ा हो जाएगा और एन वन, और इधर कितना हो जाएगा गामा माइनस में बीटा हो जाएगा और यहाँ पर ये एन टू, और जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लेंगे तो एन वन गामा माइनस में एन वन अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना होगा एन टू गामा माइनस में एन टू बीटा, और जब आप इसको उस साइड ले जाकर कर माइनस कर देंगे तो इधर ये मिल जाता है एन टू बीटा, कितना मिल जाता है n2 बीटा माइनस में n1 अल्फा इज इक्वल टू n2 माइनस में n1 गामा, आपको इतना चीज़ मिल जाता है। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा कुछ और भी एडिशनल चीज़ समझते हैं, ठीक ना। चलिए अब इसको हम इरेज करते हैं, अब यहाँ पर हम समझते हैं इस वाले ट्रेंगल में बात करते हैं, ठीक ना, ओ एम एन में, ठीक ना, ट्रेंगल ओ एम एन में। जब ओ एम एन में बात करेंगे तब हम टेन अल्फ़ा बात करते हैं, किसकी बात करेंगे टेन अल्फ़ा, ये भी क्या होता है बहुत ही अल्पतम कोण होता है, इसलिए जो टेन अल्फ़ा का मान होता है वो भी अल्फ़ा के बराबर होता है। और जब टेन अल्फ़ा की बात करेंगे एक ये समकोण त्रिभुज, क्योंकि इस पर जब लंबवत रेखा खींचते हैं तो ये समकोण त्रिभुज बनता है, और समकोण त्रिभुज में जो टेन का रेशियो होता है लंब बटा में आधार होता है, तो इसका लंब कितना है एच है, ठीक ना, ये जो ऊंचाई है इसे हम एच मानते हैं, तो ये एच अपान में ये कितना हो जाएगा ओ एम की जो दूरी है वो यू है, और आपको ये भी पता होगा कि ये जो बाएं जो भी लेंस के बाएं तरफ की जो दूरियां होती हैं सदैव ऋणात्मक ली जाती हैं, ठीक ना, तो एच अपान में माइनस में यू हो जाएगा। दूसरा जो हम ट्रेंगल लेते हैं यन आई एम में, ठीक ना, या फिर ट्रेंगल आई एन आई एम एन में या फिर आई एन एम में लेंगे, तो ये जो बीटा होगा बीटा बराबर में क्या लिखेंगे टेन बीटा, टेन बीटा लेंगे, और ये एच अपान में आई से एम की दूरी क्या है वी है, तो माइनस में वी हो जाएगा। इसके बाद जो अगला ट्रेंगल हमारा होने वाला है सी एन एम में, ट्रेंगल सी एन एम में, सी एन एम में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा गामा बराबर में टेन गामा इज इक्वल टू एच अपान में माइनस में आर हो जाएगा, ये एच अपान में कितना हो जाएगा माइनस में आर होगा, ये वक्रता त्रिज्या है। अब यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा की जो वैल्यू है इन तीनों इक्वेशनों में हम रख देते हैं तब ये हमारा जो अपवर्तन का सूत्र है ये मिल जाता है, ठीक ना। चलिए इसको हम वैल्यू को इन सब मानों को रख देते हैं, तो बीटा का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा एन टू, और यहाँ पर एच अपान में माइनस में वी हो जाएगा, और इधर एन वन हो जाएगा माइनस, सॉरी फिर से इसको राइट कर देते हैं, एन टू होगा, ठीक ना, और बीटा की जो वैल्यू है वो एच अपान माइनस में वी है, और माइनस में एन वन अल्फ़ा की जो वैल्यू है एच अपान में माइनस में यू है, और इधर एन टू माइनस में एन वन, और जो गामा की वैल्यू है वो एच अपान में माइनस आर है, एच अपान में क्या है माइनस आर है। अब हम दोनों पक्षों में से आर कामन कर लेते हैं, दोनों पक्षों से अरे सॉरी माइनस एच कामन कर लेते हैं तो भाग दे देंगे तो खत्म हो जाएगा, तो ये एन टू अपान में वी हो जाएगा, इधर माइनस में एन वन अपान में यू हो जाएगा, और एन वन अपान में यू इधर कितना हो जाएगा एन टू माइनस में एन वन अपान में कैपिटल आर हो जाएगा, जो कि ये आपका अभीष्ट फार्मूला बन जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं, यदि आपका सापेक्ष अपवर्तनांक स्मॉल एन होगा तब आप जो इधर अंश है, ठीक है, दोनों पक्षों में अंश में एन वन से भाग दे दीजिए तो ये एन टू अपान में एन वन बन जाएगा, ठीक ना, ये क्या बन जाएगा एन टू अपान में एन वन बन जाएगा, अपान में वी हो जाएगा, माइनस में ये कट जाएगा तो वन अपान में यू हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा इधर भी एन टू अपान में एन वन हो जाएगा, और माइनस में वन और अपान में कैपिटल आर हो जाएगा। और जब इसको आप ये एन अपान में वी लिख सकते हैं, क्योंकि एन जो होता है सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, तो एन अपान में वी इज माइनस में वन अपान में यू इज इक्वल टू एन माइनस में वन अपान में कैपिटल आर, ये आपका आता है गोलीय अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक ना। अगली वीडियो में हम बात करेंगे गोलीय उत्तल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र, उसमें भी फार्मूला यही मिलता है।
बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है डायग्राम का, डायग्राम का अंतर ये वक्रता त्रिज्या उस साइड हो जाता है, वक्रता त्रिज्या उस साइड हो जाता है, जो किरण आती है जो इमेज बनता है बस यहाँ पर थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा चेंजिंग होता है। चलिए उस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। वीडियो छोटी रहेगी, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।